लेटर आर इन सोशल मीडिया स्टैंड्स फॉर रियल न्यूज। ज्यादा लोग ना लो सटायर है, और अगर सटायर समझ नहीं आया तो हमारे एक साथी आशीष, उनका नंबर दे दें, वो सटायर मास्टर है। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी, बुलबुल। हॉरर फिल्म थी, डरावनी वाली। इसमें तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी लीड रोल में थे। अनविता दत्त ने किया था डायरेक्ट, अनुष्का शर्मा थी प्रोड्यूसर। खैर इसकी बात अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी एक ट्वीट देखा, वो इन्हीं सबके इर्द गिर्द था। दरअसल बॉलीवुड काउच नाम के एक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया, उसमें लिखा गया कि बुलबुल वेब सीरीज स्टार अविनाश तिवारी का निधन हो गया है, #RIP अविनाश तिवारी। इसके साथ ही एक न्यूज का लिंक भी है जिसमें अविनाश तिवारी की मौत की खबर है। बॉलीवुड काउच नाम के इस ट्विटर हैंडल से ये खबर और पोस्ट ट्वीट किया गया है। अपनी मौत की फर्जी खबर देखकर अविनाश तिवारी ने रिप्लाई करा, खुद अविनाश तिवारी ने रिप्लाई करा, लिखा कि इतनी जल्दी नहीं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, भाई थोड़ा स्टैंडर्ड इंप्रूव कर लो अपना प्लीज, थैंक यू। इसके बाद लोगों ने बॉलीवुड काउच को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक ने लिखा कि बुलबुल वेब सीरीज नहीं है और जब इन्हें सही फैक्ट्स पता नहीं है तो इन्हें ऑनलाइन लिखने कौन देता है। फिल्म मेकर नीला मदहब पांडा ने लिखा कि सॉरी, आज के समय में लोग बिना जांचे परखे कुछ भी बोल देते हैं, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके बाद सुचित्रा त्यागी ने भी बॉलीवुड काउच के इस पोस्ट पर काफी गुस्सा जाहिर किया। उसके बाद एक्ट्रेस आहना कुमरा ने भी अविनाश के बारे में इस ट्वीट पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेखक सारा नावेद ने लिखा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये हास्यास्पद है। काफी बुरी तरह ट्रोल होने के बाद बॉलीवुड काउच की तरफ से उस पोस्ट को डिलीट किया जा चुका है और उन्होंने पोस्ट किया है एक माफीनामा। माफीनामे में उन्होंने क्या लिखा है, लिखा कि अविनाश तिवारी की मौत की खबर चलाने के लिए हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हुई, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की, सफलता और शांति की कामना करते हैं। आपको बता दें कि अविनाश तिवारी ने लैला मजनू, तू है मेरा संडे, द गर्ल ऑन द ट्रेन, घोस्ट स्टोरीज, युद्ध जैसी फिल्मों में काम किया है। वो भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं और जो भी खबरें आ रही हैं उनके मौत की वो फेक हैं, फर्जी हैं। सोशल मीडिया का जमाना है संचार क्रांति और सोशल मीडिया पर कोई खबर आती है और जंगल में आग की तरह फैल जाती है, इसलिए जरूरी है कि हम जब भी किसी खबर पर एतबार करें तो 1, 2, 3, 10 बार उस खबर की पुष्टि कर लें, और अगर पुष्टि आप नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम बढ़ जाएगा, हमको आगे जल्दी से आपके पास ये बताना पड़ेगा कि वो खबर सही है कि नहीं है। और भी खबरों के लिए, डिटेल्स के लिए दी लल्लन टॉक के साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ऐप के माध्यम से। हालांकि अब हमारी आपकी दोस्ती हो गई है यार, बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता है, आप तो जुड़े रहिए बस। शुक्रिया।